सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को, जो कि एक मल्टी फैसेटेड चैनल है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स जैसे कि स्टडी बाइट्स, हॉरर बाइट्स, हेल्थ बाइट्स, टेक बाइट्स, फनी बाइट्स एंड पॉजिटिव बाइट्स, टीवी एंड फिल्मी बाइट्स मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। इससे पहले भी हम बहुत सारे हिंदी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, प्लीज फ्रेंड्स उनको जल्द से जल्द देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कार्यालय पत्र, ऑफिशियल लेटर्स। इनको लिखने का एक अपना पैटर्न होता है, फिक्स तरीका होता है, किस तरीके के कैसे शब्द यूज करने हैं, किस तरीके की भाषा का उपयोग करना है। तो आज उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने कुछ कार्यालय पत्रों के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में उन्हीं तरीके के जो भारत सरकार के पत्र होते हैं आपस में सरकारी अधिकारियों के मध्य जो जिनका आदान प्रदान होता है, उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उन्हीं में आता है अधिसूचना, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, अधिसूचना या फिर नोटिफिकेशन। इस अधिसूचना से तात्पर्य होता है ऐसी सूचनाएं जो विशेष रूप से स्पेशली राजपत्र या फिर सरकारी बजट में प्रकाशित हुई हो। और ज्यादातर अधिसूचना जो होती है वो मुख्य रूप से समाचार पत्रों में ही प्रकाशित की जाती है सरकार की तरफ से। हमेशा अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में ही लिखा जाता है। सरकार हमेशा अधिसूचना को अपने अधिकारियों या फिर जनसाधारण पब्लिक और या फिर सरकारी कर्मचारी हेतु सूचनाएं राजपत्र में प्रकाशित करती है या फिर सरकारी गजट में। तो अधिसूचना मुख्य रूप से प्रकाशित होती है समाचार पत्रों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। बात करते हैं जो अधिसूचना का प्रारूप होता है वह किस तरीके से होता है। अधिसूचना का प्रारूप, जैसे कि आपके समक्ष आपको समझ में आ रहा होगा, अधिसूचना का प्रारूप सबसे पहले राइट साइड में दाईं तरफ अधिसूचना प्रकाशित करने वाला है जो उनका, उसके बाद में जो दिनांक है वो, उसके बाद में जो अधिसूचना देने जा रहे हैं, उसके बाद में भारत सरकार का जो क्रमांक चल रहा है वो लिखना है, जो सूचना जो प्रकाशित होनी है, क्या सूचना प्रकाशित करने जा रही है वो सूचना उसके बाद में प्रकाशित की जाती है, उसके बाद में हस्ताक्षर और अधिकारी के पद का नाम। ज्यादातर जितने भी सरकारी पत्र, इनमें अधिकारी के पद का नाम ही, कार्यालय का पता ये लिखा जाता है, अधिकारी का नाम बहुत ही कम लिखा जाता है। ध्यान रखना है अधिसूचना का प्रारूप बहुत ही आसान है, अधिसूचना प्रकाशित करने वाला, दिनांक, अधिसूचना टाइटल, फिर क्रमांक, उसके बाद में जो मुख्य सूचना प्रकाशित करनी है उसका उल्लेख, उसके बाद में हस्ताक्षर और अधिकारी के पद का नाम। तो इस तरीके से अधिसूचना को लिखा जाता है। इसी प्रकार का एक और है परिपत्र, परिपत्र सर्कुलर। परिपत्र को कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ऐसा कौन सा पत्र है जिसे गश्ती पत्र भी कहा जाता है। तो परिपत्री है जिसे गश्ती पत्र या चिट्ठी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है परिपत्र में, जब एक ही सूचना या फिर किसी ऑर्डर, आदेश या निर्देश को कई विभागीय कार्यालयों या अनुभागों को भेजना होता है, तब परिपत्र में क्या किया जाता है, उसे अलग अलग पत्रों के रूप में ना भेजकर एक परिपत्र के रूप में भेजना होता है, एक ही से काम चल जाता है। तो इस प्रकार के पत्र में जो परिपत्र होते हैं, सर्कुलर होते हैं, इसमें कार्यालय की प्रति पर ही अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, मुख्य रूप से एक प्रति होती है कार्यालय की प्रति, उस पर अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। विषय वस्तु जो होती है वो एक ही होती है, लेकिन जो सूचना प्राप्त करने वाले लोग हैं, जिनको ये सूचना भेजनी है, वो लोग अलग अलग होते हैं। सूचना एक, लोग अनेक। तो सूचना प्राप्त करने वाले अलग अलग होते हैं। तो मुख्य रूप से ये हो गया, जब एक ही पत्र को, एक ही परिपत्र है, एक ही सूचना है, उसमें एक ही मैटर है, उसको विभिन्न प्रेषितियों के पास पृथक पृथक रूप से भेजा जाता है और कार्यालय की एक प्रति होती है, उसी पे अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। अलग अलग लोग, लेकिन प्रति एक, सूचना एक ही, उसमें जो विषय वस्तु होती है वो एक ही होती है, उसे सर्कुलर कहते हैं। सर्कुलर, गश्ती पत्र, चिट्ठी, परिपत्र, अलग अलग इनके नाम है।
आपको ध्यान रखना है परिपत्र क्या होता है। परिपत्र का जो प्रारूप होता है वो बिल्कुल साधारण, सरकार का जो क्रमांक नंबर है वो डालते हैं, लिखते हैं लेफ्ट या दाई तरफ, प्रेषक, उसके बाद में विषय कि ये परिपत्र में जो विषय है सूचना का विषय वो लिखना होता है, उसके बाद में जो सामान्य सूचना जो आप पृथक पृथक अधिकारियों को भेजना चाहते हैं वो लिखी जाती है, हस्ताक्षर और पद का नाम। पद का नाम लिखा जाता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का नाम नहीं लिखा जाता है ज्यादातर सरकारी पत्रों में, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद में एक और आता है सरकारी पत्रों में ही, अनुस्मारक या फिर कह दें स्मरण पत्र। स्मरण पत्र ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अनुस्मारक या फिर स्मरण पत्र, किसी को याद दिलाना। जब किसी सरकारी गवर्नमेंट अर्ध सरकारी पत्र का किसी निश्चित अवधि के पश्चात भी कोई टाइम ड्यूरेशन दी हुई हो आपने कि इस टाइम में आपको ये काम करना है और पूरा नहीं कर पाए, तो कोई निश्चित अवधि के पश्चात भी अगर उस पत्र का उत्तर नहीं मिले, जवाब नहीं मिले, तो फिर पुनः स्मरण कराने हेतु, उसे दोबारा याद दिलाने हेतु एक स्मारक भेजा जाता है, एक स्मारक भेजना होता है, जिसे उसी स्मारक को अनुस्मारक के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम से अनुस्मारक, इसीलिए इसका नाम है अनुस्मारक, अनुस्मारक के नाम से भी जाना जाता है। और जो अनुस्मारक होते हैं ये इस तरीके के जो पत्र होते हैं स्मरण पत्र, ये हमेशा संक्षिप्त, बिल्कुल कम भाषा होती है इसमें, संक्षिप्त शॉर्ट एंड स्वीट लिखे होते हैं हमेशा। इसके अलावा और एक वो होती है अनुस्मारक होते हैं, इनको भेजने की अवधि निश्चित होती है, पत्र का उत्तर नहीं मिला कोई निश्चित अवधि है जिसमें आपको भेजना होता है जवाब मांगने के लिए, तो अनुस्मारकों को भेजने की जो अवधि होती है वो निश्चित होती है। इसके अलावा अगर किसी अधिकारी या किसी कार्यालय में आप अनुस्मारक को भेज देते हैं और भेजने के बाद में भी आपको जवाब नहीं मिलता है, तो उसके बाद में भी आप उस दोबारा अनुस्मारक भेज सकते हैं। मतलब कि एक बार भेज दिया नहीं जवाब मिला, दोबारा अनुस्मारक को भेजा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार आप अनुस्मारक भेज सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है स्मारक और स्मरण पत्र, जब किसी सरकारी अर्ध सरकारी पत्र का निश्चित अवधि के पश्चात भी उस पत्र का उत्तर नहीं मिल पाता है, तब उसे याद दिलाने हेतु, दोबारा रिमाइंड कराने हेतु एक स्मारक भेजा जाता है, जिसे अनुस्मारक के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा संक्षिप्त होते हैं, इनकी भाषा संक्षिप्त होती है, इनकी अवधि निश्चित होती है अनुस्मारकों को भेजने की, और दोबारा जवाब नहीं मिलने पर एक से अधिक अनुस्मारक भी भेजे जा सकते हैं। तो इस तरीके की अनुस्मारक, कई बार प्रश्न पूछा जाता है अनुस्मारक, और 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं लाइन में कि क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा सरकारी पत्रों में इंक्लूड होता है ज्ञापन, जिसे कहते हैं मेमोरेंडम। ज्ञापन ये क्या होता है? ज्ञापन जब एक विभाग के अधिकारी द्वारा कोई सूचना अपने अधीनस्थ अधिकारियों के पास भेजने हेतु काम में आता है। एक विभाग के अधिकारी कोई सूचना भेजना चाहते हैं अपने अधीनस्थ अधिकारी को, तो ज्ञापन भेजते हैं, और ज्ञापन भी हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसका भी साधारण सा प्रारूप होता है, ज्यादातर सरकारी पत्रों में आपने देखा होगा क्रमांक, भारत सरकार से रिलेटेड है तो भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, जैसे कि उदाहरण एक, जो भी आप जगह हैं जहां से भी लिख रहे हैं अपने अधीनस्थ अधिकारी को, वहां की जगह का नाम, जैसे इस पत्र इसमें लिखा हुआ है पेज पर जयपुर, जो भी डेट पर भेज रहे हैं उस दिन की दिनांक, ज्ञापन, उसके बाद में विषय कि किस से रिलेटेड आप सूचना भेजना चाहते हैं, विषय के बाद में, विषय में थोड़ा सा उसका डिस्कशन, और फिर उसके बाद में सूचना, जो आप मुख्य सूचना भेजना चाहते हैं, उसके बाद में हस्ताक्षर, और आप चाहें तो पद का नाम, और जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आप भेज रहे हो। तो इस तरीके से इस वीडियो में मेन हमने जो अध्ययन किया, ज्ञापन इम्पॉर्टेंट है, अनुस्मारक, स्मरण पत्र, नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है, परिपत्र का ध्यान रखना है, परिपत्र, सर्कुलर, गश्ती पत्र, चिट्ठी, ये इसका नाम ध्यान रखना है, और किसको भेजा जाता है, और कितनी प्रति, एक ही प्रति, सूचना एक ही होती है, पृथक पृथक तरीके से लोगों को भेजी जाती है, विषय वस्तु एक ही होती है, नोटिफिकेशन, अधिसूचना ज्यादातर समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है और हमेशा अन्य पुरुष में लिखी जाती है। बस इनके ये जो अधिसूचना, परिपत्र, इन सब के आपको प्रारूप थोड़े बहुत ध्यान रखने होते हैं कि दिनांक आती है,
ज्यादातर विषय आता है, क्रमांक आती है, सूचना साधारण से पत्र होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, हम जल्द से जल्द उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।